नमस्कार मित्रों, आइए संस्कृत सीखे। संस्कृत पाठमाला प्रथम भाग पाठ 10। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। अब आपके 9 पाठ हुए हैं अब तक और 10वां पाठ अब शुरू होता है। इतने पाठों से आप कितना संस्कृत समझ गए हैं वह अब हम देखना चाहते हैं। इस परीक्षा के लिए श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक यहाँ हम देते हैं, ध्यान से सुने। जी हाँ मित्रों, अब देखते हैं पद। ईश्वर सर्वभूतानाम हृद देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मामया। अब अन्वय देखते हैं। हे अर्जुन, सर्वभूतानाम हृद देशे ईश्वर तिष्ठति मामया यंत्र आरूढ़ानि सर्वभूतानि ब्राह्मण। यह अन्वय 2-4 बार पढ़िए तो भाव और अर्थ अवश्य आपके ध्यान में आ जाएगा। तथापि आपकी सुविधा के लिए शब्दार्थ यहाँ दिए जाते हैं। अर्थ, हे अर्जुन, सब प्राणियों के हृदय प्रदेश में ईश्वर रहता है और अपनी माया से यंत्र पर लगाए हुए चित्रों के समान सब भूतों को वह घुमाता है। यह अर्थ अन्वय के अनुसार ही दिया है, इसलिए कौन से शब्द का क्या अर्थ है आप समझ ही गए होंगे। अब इन श्लोकों को आप बार बार पढ़िए और केवल श्लोक पढ़ते ही उनका भावार्थ उत्तम रीति से आपके ध्यान में आ जाए। इतना ध्यान मनन पूर्वक कीजिए। ऊपर के श्लोक में आए हुए शब्दों का निम्नलिखित वाक्य अब आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, अभी इनके आधार पर यहाँ कुछ वाक्य रखे गए हैं, वो भी ध्यान से पढ़े। जैसे कि हृदय देशे ईश्वर तिष्ठति हृदये ईश अस्ति तम शरणम गच्छ ईशम शरणम गच्छ स्वभावेन तम शरणम गच्छ ईश्वरम शरणम गच्छ पराम शांति ही प्राप्स्यसि शाश्वतम ध्यानम प्राप्स्यसि यदि शरणम गच्छसि तर्हि शांतिम प्राप्स्यसि। युद्ध देशे अर्जुन तिष्ठति रथे श्रीकृष्ण तिष्ठति नगरे भूप तिष्ठति द्वार देशे नर तिष्ठति भूपम शरणम गच्छ नरम शरणम न गच्छ शोभनम पुस्तकम प्राप्स्यसि विपुलम धनम प्राप्स्यसि गृहे धनम भवति। इस प्रकार अन्य वाक्य भी आप बहुत से हो सकते हैं, उनको यहाँ देखिए। इस प्रकार आप अनेकानेक वाक्य बनाते हुए जाएंगे तो संस्कृत भाषा में आपकी प्रगति होने में बड़ी ही सहायता होगी। संस्कृत वाक्यानि ईश्वर कुत्र अस्ति ईश्वर हृदय से तिष्ठति मनुष्यस्य हृदय प्रदेशे ईश अस्ति मम हृदय देशे ईश्वर अस्ति किम तव हृदय ईश्वर अस्ति एव अहम त्वम ईश्वरम सर्वभावेन शरणम गच्छामि त्वं तम ईश्वरम सर्वभावेन शरणम गच्छ तत्प्रसादेन त्वं पराम शांति ही प्राप्स्यसि तथा शाश्वतम स्थानम तत्र प्राप्स्यसि। अब स्वयं ये संस्कृत वाक्य पढ़े। धन्यवाद।